ऑर्बिट, ऑर्बिट सब एंड ऑर्बिटल को जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूल जानना होगा जिसे हम कहते हैं अवबाव rule, अवबाव का मतलब होता है बिल्डिंग अप मतलब किसी भी चीज को बिल्ड करना ठीक है ना ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते ही आपके मन में एक चीज आया हो कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो तो नहीं जो हम बोलते थे जैसे सोडियम का टू एट सेवन होता है क्या हम उसी की बात यस डेफिनेटली yes, हम उसी की बात कर रहे हैं तो सर ये तो हमको पहले से ही आता है जी नहीं आपको जो आता था वो एक लिमिटेड लेवल का आता था अप टू द अपी तक आपको तो आता था अगर मैं आपसे बोलूँ कि टिल ट्वेंटी एटोमिक नंबर का बनाइए तो आप सही बनाते थे लेकिन डेफिनेटली अगर मैं ट्वेंटी से ज्यादा का दूंगा आपको तो आप गलत बनाएंगे और याद होगा आपको क्लास में टिल ट्वेंटी तक ही आपको बोला जाता था नोट आयरन का बनाने के लिए बोलता था बोलता था बनाने के लिए नहीं बोलता था क्योंकि क्योंकि नॉलेज दिया गया था वो लिमिटेड था ओके तो अब हम देखेंगे कैसे बिल्डअप किया जाए तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होता है एंड एक ही ऑर्बिटल होता है तो फर्स्ट वाला देखिए जरा फर्स्ट वाला यहाँ पर S, वाला S होता है, है का मतलब हो गया तो याद ये मैं टू एस टू पी क्यू लिख रहा हूं मैं यहां पर ये जो टू एस टू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ चाहिए तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं कि दिस इज फॉर एन इक्वल टू वन ये फॉर एन इक्वल टू टू अगर एन इक्वल टू थ्री थर्ड ऑर्बिट की बात करूं मैं तो थर्ड ऑर्बिट में मुझे क्या दिखाई देगा थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी क्या कहा था सोमर फील्ड ने कि आप जैसे जैसे करके आगे वाले ऑर्बिट में बढ़ेंगे वैसे वैसे करके उसके अंदर जो सब ऑर्बिट है वो बढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही सब ऑर्बिट दो उसके अंदर आ, मतलब सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर दो सब ऑर्बिट तीसरे वाले के अंदर तीन सब ऑर्बिट ऑलराइट उसके बाद ये एन इक्वल टू फोर चौथे की बात करते हैं तो चौथे में क्या होगा चौथे में होगा 4s, 4p, 4d, 4f. फोर वाले में क्या होगा 5s, 5p, 5d, 5f. क्या सर 5f के बाद हमको एक और नहीं ऐड कर देना चाहिए लेट से 5g. ओके okay? क्या ऐड कर देना चाहिए आप करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5g तक किसी ने पहुंचना ही नहीं है तो चाहो तो इसको हटा सकते हो इट क्या होगा सिक्स एस सिक्स पी सिक्स जी सिक्स एफ उसके बाद सेवन का क्या होगा सेवन एस सेवन पी सेवन डी सेवन एफ ठीक है अब इसको भरना कैसे इसको भरना कैसे याद रखिएगा इस बात को कि ये जो है ना ये एन इक्वल टू फाइव पांचवें ऑर्बिट में आपको पांच सब ऑर्बिट मिलेंगे पर मैंने पांचवा लिखा नहीं 6 में आपको छह सब ऑर्बिट मिलेंगे पर मैंने लिखा नहीं पूरा टू सेवन में आपको सेवन सब ऑर्बिट मिलेंगे मैंने लिखा नहीं पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने भरना है नहीं अब इसको कैसे भरा जाए ध्यान रखिए इसको कैसे भरा जाए तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ये हो गया न्यूक्लियस ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट एक बेसिक बेसिक लेवल में तो हम ये जानते हैं है ना बट क्या होता है कि ऑर्बिट के अंदर भी सब ऑर्बिट होते हैं तो देखो सबसे पहला रहेगा जो वन एस रहेगा रहे सेकेंड वाले ऑर्बिट में टू एस होगा फिर टू पी होगा फिर चौथे वाले, हो वाले में क्या होगा फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ इस वे में होगा तो देखिए जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले कहां भरेंगे अंदर वाले ऑर्बिट में अंदर वाले ऑर्बिट में प्लस अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर वाले सब ऑर्बिट में जैसे एग्जाम्पल के लिए आप थर्ड सब ऑर्बिट में भर रहे हैं ये सॉरी थर्ड ऑर्बिट में आप भर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए आप थर्ड ऑर्बिट में भर रहे हैं तो पहले थ्री एस में भरेंगे फिर थ्री पी में फिर थ्री डी में वाई क्योंकि देखिए ये जो अंदर वाले जो ऑर्बिट होते हैं ना इनकी एनर्जी लो होती है जितना अंदर वाला ऑर्बिट होता है उतनी ही एनर्जी लो होती है और जितना आप बाहर बार बाहर मूव करते जाएंगे उतनी ही एनर्जी जो होगी ऑर्बिट की वो क्या होगी एनर्जी होगी हाई एंड इस दुनिया में जो भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कम एनर्जी की तरफ भागते हैं वो हमेशा कम एनर्जी की तरफ भागते हैं जैसे कि अगर मैं ये एक पानी का ड्रम ले लूं ये मैं एक पानी का ड्रम ले लू और मैं इसमें पानी भरने की कोशिश करूं तो पानी सबसे पहले नीचे वाली जगह ऑक्यूपाई करेगा एक बार नीचे वाली जगह भर गई उसके बाद फिर पानी ऊपर वाली जगह पर आएगा फिर और ऊपर आएगा राइट तो इस तरीके से पानी पहले लोअर पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है वाटर विल फर्स्ट और हायर लेवल में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाई होती, 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 होती है क्योंकि जितने भी सिस्टम है जितने भी पार्टिकल्स है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एनर्जी उनके अंदर कम रहे बिकॉज एनर्जी लेट्स टू अनस्टेबिलिटी एनर्जी लेट्स टू अनस्टेबिलिटी तो ये याद रखिए जिन भी पार्टिकल में एनर्जी ज्यादा होती है वो पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं वो पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं ठीक है ना ओके तो जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉनों को बोलोगे कि भाई तुझे कहां जाना है तो बोलेगा कि मैं सबसे अंदर वाले में जाऊंगा वन एस में जाऊंगा वन एस के बाद कहां जाऊंगा टू एस में जाऊंगा टू एस भर गया तो कहां टू पी टू पी भर गया तो थ्री एस तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ठीक है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बट क्या ऑर्डर यही रहेगा क्या यहां पर ऐसा ही रहेगा कि पहले आप वन एस भरोगे फिर यहां पर टू एस भरोगे फिर टू पी भरोगे फिर थ्री एस थ्री पी थ्री डी फिर फोर एस फोर पी फोर डी क्या इसी वे में हमको भरना है अब होना तो यही चाहिए था कि पहले वन एस भरो फिर टू एस फिर टू पी फिर थ्री एस थ्री पी थ्री डी इस वे में भरो लेकिन क्या है कि यहां पर कुछ कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे और वो जो केसेस हैं ये मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना पहले तो ये जो प्रिंसिपल है इसके हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भरना कैसे एक बार जरा पहले हम लोग उसको देख लेंगे ठीक है ना ये देखिए पहले आप भरेंगे वन एस को फिर भरेंगे टू एस को देखिए वन एस के बाद किसका नंबर आएगा टक 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 टू एस का टू एस के बाद किसका नंबर आएगा टू पी का टू पी के बाद किसका नंबर आएगा ठीक है ना ये देख रहे हो ये खत्म होकर के टू पी टू पी के बाद थ्री एस का नंबर आएगा फिर थ्री एस के बाद किसका नंबर आएगा थ्री पी का फिर फोर एस का फिर किसका नंबर आएगा यहाँ से थ्री डी फिर फोर पी फिर फाइव एस फिर किसका नंबर आएगा यहाँ पर फोर डी फाइव पी सिक्स एस फिर किसका आएगा फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस तो इस वे में आपको इसको भरना है ठीक है इस वे में आपको इसको भरना है समझ गए तो ये देख लीजिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है ना तो ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब क्या है पहले वन एस को भरो फिर उसके बाद टू एस को फिर टू पी थ्री एस को फिर थ्री पी फोर एस को फिर थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एक्स फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस एक्सेट्रा तो इस वे में आपको भरना है अब चलिए एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है वन होता है तो हाइड्रोजन को कैसा भरा जाएगा ऐसा वन एस वन हाइड्रोजन को कैसा भरा जाएगा वन एस वन उसके बाद हीलियम

आप एक चीज नोटिस करो लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है वन एस की कैपेसिटी कितने की होती है दो इलेक्ट्रॉन की होती है है ना याद है ना ये डिस्कस किया था हम लोगों ने याद नहीं है तो चलो यहां पर लिख लेते हैं यहां पर याद कर लो इस चीज को कि जो एस है ना एस की कैपेसिटी होती है दो इलेक्ट्रॉन की पी की कैपेसिटी कितने की होती है छ इलेक्ट्रॉन की डी की कितने की होती है, है? दस इलेक्ट्रॉन की एंड एफ की कितनी होती है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन की ठीक है ना क्यों ऐसा क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी तो दो इलेक्ट्रॉन की।, की, तो की तो इसीलिए एस की कैपेसिटी दो तो इलेक्ट्रॉन की पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं हर एक की कैपेसिटी दो तो इलेक्ट्रॉन की तो थ्री टूजा सिक्स इसलिए पी की कैपेसिटी सिक्स इलेक्ट्रॉन की डी के पास पांच ऑर्बिटल होते हैं हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन की तो फाइव टू झा टेन एफ की कैपेसिटी कितनी होती है सेवन इलेक्ट्रॉन की तो सेवन टूजा फोर्टीन बस ठीक है ना तो याद रखिए एस के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे पी के पास छः इलेक्ट्रॉन D के पास दस इलेक्ट्रॉन एफ के पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन तो लिथियम का कॉन्फिग्रेशन क्या बना वन एस टू क्योंकि 1S2 भर गया, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन टू एस वन में उसके बाद लिथियम हो गया लिथियम के बाद लेट से अगला है बेरिलियम तो z इक्वल टू कितना है फोर तो क्या होगा इसका वन एस टू टू एस टू बैरलियम के बाद क्या होगा बोरॉन बोरॉन का z कितना होगा फाइव तो ये क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी वन समझ गए अब चलो इसी टाइप से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थोड़े और बड़े बड़े मॉलिक्यूल में लेता हूं लेट्स uh, से कि हम बात करें यहां पर सोडियम की मान लेते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम तो सोडियम का जेड कितना होता है इलेवन होता है तो क्या बनेगा सोडियम का कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू टू पी देखो वन एस टू के बाद किसका नंबर आएगा टू एस का नंबर आएगा सोडियम so, के पास ग्यारह इलेक्ट्रॉन है दो पहले जाएंगे 1S में, तो 1S2 हो गया। फिर अगले दो जाएंगे सात आठ नौ दस इलेक्ट्रॉन हो गए थ्री एस वन देखो एड करो जरा जो ऊपर वाले जो है ये क्या दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहे ग्यारह इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरिन का जैसे देख लेते हैं कॉन्फिग्रेशन क्लोरिन का क्लोरिन का जेड कितना होता है 17 तो क्या बनेगा ग्यार वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू कितने हो गए छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह इलेक्ट्रॉन हो गए अब उसके बाद थ्री एस टू के बाद किसका नंबर है थ्री पी का नंबर है थ्री पी फाइव जरा देखो दस और दो बारह और पांच सत्रह सत्रह हो गए राइट तो इसी तरीके से अब जैसे मान लेते हैं हम लोग कैल्शियम तो कैल्शियम का क्या होगा लेट कैल्शियम का जो जेड है वो ट्वेंटी है अब आगे की चीज है उसको पॉज करो खुद ट्राई करो ओके पॉज करिए और खुद ट्राई करिए कैल्शियम का जेड ट्वेंटी थ्री पी सिक्स कितने हो गए दस और छह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस तो थ्री पी के बाद किसका नंबर आएगा फोर एस का फोर एस टू सो दिस इज द कॉन्फिग्रेशन फॉर द कैल्शियम ठीक है ना अब जैसे आयरन का ले लेते हैं आयरन का है Z इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स तो कॉन्फिग्रेशन क्या होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू अच्छा फोर एस टू तो आते आते बीस इलेक्ट्रॉन भर 4S2 के फोर एस टू के बाद किसका नंबर है थ्री डी का तो थ्री डी सिक्स क्या हो जाएगा थ्री डी सिक्स जरा ऐड करो क्या ट्वेंटी सिक्स हो गए याद रखिएगा एस को कभी भी दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है पी को कभी भी छह इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है डी को दस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है एंड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना है तो देखो जरा दस दस बीस और छह छब्बीस तो आयरन का कॉन्फिग्रेशन ये निकल के आया वन एस टू टू एस टू टू पे सिक्स थ्री एस टू थ्री पे सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स क्लियर है ये चीज ओके एक और जैसा कर लेते हैं जैसे टिन एस एन Z है इसका 50, इसका कॉन्फिग्रेशन क्या बनेगा दिस विल बिकम S, इसका कॉन्फिग्रेशन दिस विल बिकम एज वन एस टू टू एस टू देखिए ज़रा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन कितना हो गया दस दस बीस दस तीस ओके थ्री डी टेन हो गया थ्री डी टेन के बाद किसका नंबर है फोर पी का फोर पी सिक्स फोर पी सिक्स के बाद किसका नंबर है फाइव एस फाइव एस टू थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको फाइव एस टू के बाद देखो कितने हो गए दस दस बीस दस तीस और आठ अड़तीस थर्टी एट तो फाइव एस टू के बाद फोर डी टेन फोर डी टेन तो थर्टी एट फोर्टी एट फोर डी टेन के बाद फाइव पी

जस्ट लुकेट दिस इसको देखो हाइड्रोजन को देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का क्या कॉन्फिग्रेशन है वन एस वन तो आपको सिर्फ यहां पे नोटिस करना है कि ये जो आगे वाला हिस्सा है ये कौन से ऑर्बिट का है वन का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का है तो आप हाइड्रोजन का जो कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट विल बी द टू द कॉन्फिग्रेशन फॉर हाइड्रोजन विल बी टू सॉरी टू नहीं वन वन क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना फर्स्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन एक ही है उसके बाद हीलियम का देखिए हीलियम का वन एस टू है मतलब ये जो यहाँ पर आपको क्या काउंट करना है right? इलेक्ट्रॉन मतलब है और कितने इलेक्ट्रॉन है दो इसलिए क्या, होगा? होगा। क्या याद करो हाइड्रोजन का आप वन लिखते थे। हीलियम का टू लिखते थे अब देखिए लिथियम का देखिए तो यहां पर आप नोट करेंगे कि ये वन है एंड यहां पर ये टू है ये देख लो ये दो अलग अलग ऑर्बिट के हो गए अलग हो गया एंड टू एस वन अलग हो गया तो यहां का जो कॉन्फिगरेशन होगा ये क्या बनेगा 2,1 क्यों क्योंकि 1s2 मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट ऑर्बिट में है इसलिए 2 लिख दिया कॉमा सेकेंड वाले में कितने हैं 2s में कितने हैं 1 है तो 2,1 समझ में आ जाएगा थोड़ा और देख लीजिए समझ में आ जाएगा इसका देखिए बेरिलियम का देखिए 1s2 2s2 तो 1s2 2s2 का मतलब ये बन जाएगा 2,2 why क्योंकि ये देखिए ये ऑर्बिट नंबर वन है जबकि ये ऑर्बिट नंबर टू है तो ऑर्बिट नंबर है? तो है? टू, तो टू, टू है और आप नोट करिए भी सेकंड ऑर्बिट ये दोनों के दोनों सेकंड ऑर्बिट क्या देख रहे हो ना टू टू एंड टू वन, क्या ये दोनों के दोनों सेकंड ऑर्बिट है यस इसीलिए कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा इसका इसका कॉन्फिगरेशन जो है वो बनेगा मा थ्री इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा टू कॉमा थ्री याद रखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका टू कॉमा थ्री ठीक है ना टू कॉमा थ्री क्योंकि ये देखो ये है ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए लिख दिया बाकी देखो 2H2, 2P1. तो टोटल दो तीन इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के है. अब इसकी बारी सोडियम की ये फर्स्ट ऑर्बिट का है ये देखिए ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट के हैं एंड ये तीसरा वाला है. ये देखो ये जो तीसरा वाला है ये तीसरा वाला, ये तीसरा वाला थर्ड ऑर्बिट का है दिख रहा है ये जो तीसरा वाला है ये थर्ड ऑर्बिट का है इसलिए जो यहां पर कॉन्फिग्रेशन बन करके आएगा दैट विल बी टू कॉमा छ और दो आठ वन टू एट वन तो जरा याद करो क्या सोडियम का यही कॉन्फिग्रेशन होता था आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन एक ही ऑर्बिट के हैं ये देखो ये जो वन एस टू है ये एक ऑर्बिट का है बाकी टू एस टू टू पी सिक्स इन देखो ना इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है ना यहां पर देखो ये टू एस टू है और 2P6 है, तो दोनों का 2, 2 है इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिट के हैं इसी वजह से इन दोनों के का है, 2, 8, 1. उसके बाद अगला क्लोरिन को देखिए सेकेंड ऑर्बिट हो गया और ये दोनों थर्ड ऑर्बिट के हो गए तो द विग्रेशन तो फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में छे और दो आठ और तीसरे में कितने हो गए पाँच छः सात आई थिंक सो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी है ना अच्छा उसके बाद अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम में देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो देखो कैल्शियम में ये जो है ये फर्स्ट हो गया उसके बाद सेकंड वन ये देखो 2s2 2p6 ये सेकंड ऑर्बिट हो गया थर्ड ऑर्बिट देख लीजिए ये देखिए ये थर्ड ऑर्बिट वाला हो गया और आप नोट करो यहां पर एक चौथा ऑर्बिट भी इंट्रोड्यूस हो गया है इसीलिए कॉन्फिग्रेशन फॉर कैल्शियम टू दोन टू एट ए कॉन्फिग्रेशन इज टू एट एट टू समझ में आया टू एट आयरन का देखिए क्या कॉन्फिग्रेशन बनेगा फॉर द आयरन विलेशन तो अगेन कौन किस खानदान का ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट का है दूसरा देखिए ये सेकंड ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट तीसरा वाला देखिए ये थर्ड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट और आप नोटिस करें ये भी थर्ड ऑर्बिट तो तीन थर्ड ऑर्बिट वाले यहां पर एंड ये यहां पर फोर्थ ऑर्बिट का हो गया सो व्हाट विल बी द कॉन्फिगरेशन 2, 6 7 8, 6 और 6 12 13 14 2 8 14 2 दिस इज द कॉन्फिगरेशन फॉर द आयरन 2 8 14 2 अब आप याद करो जो आपने टेंथ में सीखा था वो क्या सीखा था कि पहले टू भरो फिर 8 भरो, फिर भरो चलो एक्चुअली सिखाया ये नहीं जाता है पर हम ये कर लेते हैं कि पहले वाले में तो चलो टू आ जाएगा दूसरे वाले में आठ आ जाएगा तीसरे से आठ 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 भरते चलो क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है जो टेंथ से इलेवंथ में आए सब यही गलती करते थे तो याद रखिए वो जो कॉन्फिग्रेशन था इसलिए मैं कह रहा हूं वो जो कॉन्फिग्रेशन था वो लिमिटेड था अपू द ट्वेंटी एटोमिक नंबर था क्योंकि ट्वेंटी के बाद अगर करवाते

एट सेवन टू एट एक बार इसका भी देख लेते हैं टिन का भी देख लेते हैं तो टिन का क्या होगा जरा देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया सेकंड ऑर्बिट का कौन हो गया ये 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 देखो सेकंड सेकंड ऑर्बिट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का कौन सा हो गया ये देखो ये थर्ड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट का कौन हो गया तो फोर्थ ऑर्बिट का देखो ये है फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट ओके अब पांचवा ऑर्बिट भी यहां पर आपको दिख रहा है पांचवा ऑर्बिट है ना तो पांचवें ऑर्बिट के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ये देखो ये पांचवां ऑर्बिट ये पांचवां ऑर्बिट क्योंकि मेरे पास और हाईलाइटर नहीं है तो ये ऑर्बिट यह पांचवाइन कॉन्फिग्रेशन क्या बनेगा दस छह सोलह सत्रह अठारह टू एट एटीन उसके बाद फोर्थ वाले को देखिए छ सात आठ और दस अट्ठारह टू एट एटीन एंड पी वाले मतलब फाइव वाले को देखिए दो और दो चार टू एट एटीन फोर सो वॉट इज द देशन ऑफ टेन फॉर टेन इज टूटी फोर एक चीज जरा यहां पर नोट करें कि आउटर वाला जो ऑर्बिट है उसमें कभी भी आठ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं देखो जरा किसी भी कॉन्फिग्रेशन में देखिए किसी में भी देखिए क्या आपको आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं

यहां पर कुछ कॉन्फिग्रेशन को देख करके आपको बड़ा ही अजीब लगा होगा कि सर ये क्या हो गया जैसे मान लीजिए टिन का ही ले लेते ले हैं एग्जाम्पल लेते ले हैं टिन का कि सर पहले वन एस टू बनना चाहिए ओके भरा फिर थ्री एस टू बनना चाहिए थ्री एस भरा थ्री एस के बाद थ्री पी का नंबर आता है भरना ओ, ओके सही है सर थ्री पी के बाद तो थ्री डी का नंबर आना चाहिए था ना सर ये कैसे हो गया थ्री एस के बाद देखो सर वन एस के बाद 2S का नंबर आएगा ओके टू एस के बाद टू पी का नंबर आएगा क्योंकि सर ऐसा होता है ना अरेंज तो ऐसे होंगे ना कि पहले फर्स्ट ऑर्बिट फिर सेकंड ऑर्बिट फिर थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में पहले वन एस भरेगा फिर सेकंड ऑर्बिट का पहले भरेगा भरेगा फिर ओके okay? कोई प्रॉब्लम नहीं फिर थर्ड ऑर्बिट में पहले थ्री एस भरना चाहिए था भरा फिर थ्री पी भरना चाहिए था भरा फिर थ्री डी भरना चाहिए था ना सर ये देखो ना आपने थ्री पी के बाद फोर एस भर दिया फोर एस के बाद आप थ्री डी कर रहे हैं सर ये क्या बात हुई थ्री डी तो अंदर वाला ऑर्बिट है थ्री डी जो है वो तो अंदर वाला ऑर्बिट है है ना एंड ये फोर एस है वो तो बाहर वाला ऑर्बिट है तो पहले तो अंदर वाला भरना चाहिए फिर बाहर वाला भरना चाहिए था ना सर आपने ये क्या कर दिया भाई एक्चुअली ऐसा ही भरा जाता है वाई? वो इसलिए क्योंकि अगर आप एनर्जी कंपेयर करेंगे ना तो फोर की एनर्जी कम है एस कंपेयर टू दी डी मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को जो भरते हैं वो किस हिसाब से बढ़ते हैं उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से आई मीन टू से जिस ऑर्बिटल की जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी पहले उसमें भरा जाएगा जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी पहले उसमें भरा जाएगा अगर मैं यहां पर फोर एस को पहले भर रहा हूं एंड थ्री डी को बाद में भर रहा हूं तो समझ जाइए कि फोर एस की एनर्जी कम रही होगी थ्री डी से और फिर आपके मन में एक सवाल आ गया सर वॉट ऐसा कैसे हो गया मतलब जो थ्री डी है वो तो अंदर वाला है एंड फोर एस तो बाहर वाला है तो थ्री डी की एनर्जी कम होनी चाहिए ना फोर एस की ज्यादा होनी चाहिए ऐसा उल्टा क्यों हो गया तो उल्टा हुआ बिकॉज ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिटल्स ये जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते ना इनके शेप की वजह से ये सब हुआ है आपने देखा होगा ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एस वाला एस पी डी एफ इन सब के शेप मैंने आपको बताए थे एफ का तो खैर अजीब वरीब शेप था वरना अगर आप देखें एस का शेप अलग है स्पेरिकल है पी का शेप डम्बल्ड है डी का शेप डबल डम्बल्ड है तो इनके शेप की वजह से इनके शेप की वजह से इनकी एनर्जी में फर्क आने लगता है ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका जो शेप होता है उसकी वजह से इनके एनर्जी में फर्क आने लगता है ठीक है ना तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो फोर एस है फोर एस की एनर्जी कम हुई और थ्री डी की एनर्जी ज्यादा हुई चलो अब बात आ ही गई है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो एनर्जी होता है ना ये जो आप बोलते हो ना एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी वेन एवर यू टॉक अबाउट द एनर्जी इट इज द सम ऑफ एन प्लस एल इट इज द सम ऑफ द्लस एल एन रिप्रेजेंट करता है यहां पर ऑर्बिट का मतलब हो गया कि हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू हम लोग वन लेंगे सेकंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू टू लेंगे थर्ड ऑर्बिट में थ्री फोर्थ ऑर्बिट में फोर एक्सेट्रा एंड एल जो है यहां पर एल एल रिप्रेजेंट करता है कि आप किस सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं आप किस यहां पर सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? आप यहां पर किस सब ऑर्बिट की बात कर रहे हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एल एक आप रूल लगा लीजिए मैं इसको यहां पर राइट साइड में लिख रहा हूं जब भी आप बात करते हैं ना एस की तो एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स करके ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एस में एल की वैल्यू जीरो होती है पी के लिए हम लोग एल की वैल्यू वन लेते हैं डी के लिए हम लोग एल की वैल्यू टू लेते हैं एंड एफ़ के लिए हम लोग एल की वैल्यू थ्री लेते हैं ठीक है तो ये जो चीज़ है ये याद रखिएगा इसको चाहिए तो मैं साइड में लिख देता हूँ रुकी है जरा इसको साइड में लिख देता हूँ मैं एस के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो पी के लिए एल की वैल्यू वन डी के लिए एल की वैल्यू टू एंड एफ के लिए एल की वैल्यू थ्री ठीक है ओके तो अब जरा सॉल्व करते हैं पहला वन एस भरना चाहिए तो वन एस वन एस का मतलब ये देखिए पहला कौन है यहां पर वन एस है वन एस के बाद कौन भर रहा है टू एस भर रहा है टू एस के बाद कौन भर रहा है टू पी टू पी के बाद मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मान लो हमें पता नहीं है एनर्जी का अगर हमें पता नहीं होगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे पहले वन एस भरेंगे फिर टू एस भरेंगे टू पी फिर थ्री एस थ्री पी थ्री डी फिर फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ फिर फाइव पी फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव ए इसी तरीके से भरेंगे मान लो आपको ये अब प्रिंसिपल पता ही नहीं है आपको बस इतना पता है कि अंदर वाला पहले भरेगा तो फर्स्ट आप क्या भरेंगे वन एस भरेंगे फिर टू एस भरेंगे फिर टू पी भरेंगे फिर कौन भरेंगे थ्री एस भरेंगे फिर थ्री एस के बाद कौन भरेंगे आप थ्री पी भरेंगे फिर थ्री डी भरेंगे है ना फिर फोर एस भरेंगे फिर फोर पी भरेंगे फिर फोर डी भरेंगे फिर

वन तो एस में वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस जीरो क्योंकि वन तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एस है इसलिए जीरो तो तो क्या एनर्जी होगी टू प्लस जीरो अब मुझे बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है की एनर्जी ज्यादा है? है या टू प्लस जीरो की एनर्जी ज्यादा है टू प्लस जीरो की ओके तो इस वे में ये टू एस बाद में भरेगा पहले वन एस भरेगा ओके सर वैसे भी यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं थी एक देखो एकदम क्लियर है अच्छा उसके बाद टूपी की बात करते हैं तो टूपी का एनर्जी क्या होगा

तो पहले कौन आ रहा है टू पी आ रहा है टू पी के बाद थ्री एस आ रहा है इसीलिए आप पहले टू पी को भरेंगे तो कंफ्यूजन नहीं थी थ्री पी की एनर्जी कितनी होगी तो थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन कितना होता है अब थ्री की बात करते हैं तो थ्री का एनर्जी कितना हो गया थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू कितना पर हो गया कि 3p के बाद भरना चाहिए 3d को भरना चाहिए थ्री पी के बाद थ्री डी को भरना चाहिए फोर एस अच्छा फोर एस की एनर्जी कितनी हो जाएगी फोर प्लस जीरो फोर एस की एनर्जी कितनी हो जाएगी फोर प्लस जीरो हाँ हाँ अब एक चीज देखो यार थ्री डी की एनर्जी फाइव निकल के आ रही है थ्री डी की एनर्जी फाइव निकल के आ रही है और फोर एस की एनर्जी फोर निकल के आ रही है तो थ्री डी पहले भरेगा या फोर एस पहले भरेगा फोर एस ये इंटरचेंज हो जाते हैं बात समझ में आई क्या वन एस के बाद टू एस भर रहा है क्योंकि टू एस की एनर्जी ज्यादा है वन एस से फिर टू एस के बाद टू पी क्योंकि टू पी की एनर्जी ज्यादा है टू एस से फिर टू पी के बाद थ्री एस टू पी और थ्री की एनर्जी सेम है लेकिन जो पहले वाला होगा वो जल्दी पहले भरेगा तो टू पी पहले थ्री एस के, के बाद कौन भरना चाहिए फोर एस लेकिन एक प्रॉब्लम है फोर एस की एनर्जी तो थ्री डी से भी कम है इसलिए पहले हम लोग फोर एस को भरेंगे फिर थ्री डी को तो एक काम करता हूं इसको इंटरचेंज कर देता हूं मैं फोर एस को पहले भर देता हूं ठीक है फोर एस को मैं पहले भर देता हूं एंड थ्री डी को बाद में भरता हूं क्योंकि फोर एस की एनर्जी कितनी है फोर प्लस जीरो एंड थ्री डी की एनर्जी कितनी है थ्री प्लस टू समझ गए होंगे अब आप कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ समझ गए अब फोर पी की बात करते हैं फोर पी की एनर्जी कितनी होगी फोर प्लस वन फोर प्लस वन कितना होता है फाइव अब थ्री डी की एनर्जी भी फाइव है फोर पी की भी फाइव है तो पहले कौन भरना चाहिए जो अंदर वाला होगा अंदर वाला कौन है थ्री डी इसलिए नोट करो जरा क्या थ्री डी के बाद फोर पी है जरा देखो क्या थ्री डी के बाद फोर पी है क्लियर है

ये तो फोर्डी से भी कम है है ना ये तो फोर्डी से भी कम है इसका मतलब फोर पी के बाद किसका नंबर आना चाहिए जरा याद करो आप नोटिस करो यहां पर यह जो फाइव एस की एनर्जी है यह फोर्डी और फोर एफ से भी कम है देख रहे हो फोर की एनर्जी सिक्स है फोर एफ की एनर्जी सेवन है एंड फाइव एस की एनर्जी तो फाइव है इसका मतलब फाइव एफ इनसे भी पहले भरेगा इन दोनों से भी पहले भरेगा तो मैं यहां पर इंटरचेंज कर देता हूं ये फाइव एस को यहां से हटा देता हूं फाइव एस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे डाल देता हूँ चलो एक काम करता हूँ मैं इधर ही डाल देता हूँ जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर ही डाल देता हूँ एस की एनर्जी कितनी थी फाइव प्लस जीरो क्या उसके बाद फोर डी है जरा चेक करो वाइज चेक करो क्या आपको फोर पी के बाद फाइव एस दिख रहा था क्या आपको फोर पी के बाद फाइव एस दिख रहा था यस फाइव एस के बाद कौन दिखा दिया आपको फोर डी दिया है फोर डी दिखाई दिया अच्छा फोर डी के बाद यहाँ पर फाइव पी दिखाई दे रहा है अच्छा क्यों इसका मतलब ये 5P को भी करना पड़ेगा। तो 5P मतलब कितना हो गया तो यहां से ये फोर एफ हटाइए और इसकी जगह पर फाइव पी डालिए इसकी जगह पर फाइव पी डालिए और फिर बाद में चल करके ये जो है ये फोर एफ आएगा क्योंकि फाइव पी की एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइव प्लस वन फोर एस की एनर्जी कितनी हो गई फोर प्लस थ्री सेवन तो फोर डी के बाद किसका नंबर नंबर है है फिर का एंड इसी तरीके से आपको भरना है अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि जो आपने कहा था कि सर ये जो है ना आप फोर एस को पहले भर रहे हैं थ्री डी से समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि फोर एस की एनर्जी कम है ये देख लो यहां पर मैंने लिखा है क्योंकि यहां पर फोर एस की एनर्जी कम है फोर एस की एनर्जी कम है थ्री डी के मुकाबले क्योंकि थ्री डी की एनर्जी है फाइव फोर एस की एनर्जी है फोर इसलिए पहले किसको भरा जाएगा फोर एस को एंड फिर थ्री डी को भरा जाएगा क्लियर है तो कभी भी कोई आपको बोले कि इज द एनर्जी रिप्रेजेंटेशन इज इज द द आई मीन टू से फॉर एनर्जी रिप्रेजेंटेशन वाइल फिलिंग एन इलेक्ट्रॉन तो याद रखिएगा एन प्लस एल एन प्लस एल एन शो करता है कि वो कौन से ऑर्बिट का है एल शो करता है कि वो कौन से सब ऑर्बिट का है कौन से सब ऑर्बिट का है ठीक है एक और चीज याद रखिएगा ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना ऑर्बिटल का कलेक्शन किसमें होता है सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिट को जूम करोगे तो सब ऑर्बिट दिखाई देंगे सब ऑर्बिट को जूम करोगे तो आपको दिखाई तो आ तो है वो? P में अगर मैं बोलू पी वाई ऑर ऑर्बिटल तो आ रहा है वो पी सब ऑर्बिट में आ रहा है पी जेड ऑरबाइटल कहा आ रहा है पी सब ऑर्बिट में आ रहा है ठीक है डी एक्स वाई किस में आ रहा है डी सब ऑर्बिट में आ रहा है डी वाइज ऑर्बिटल कहां आ रहा है डी सब ऑर्बिट में आ रहा है क्लियर है तो ये जो हमने पढ़ा दिस वॉज द अवबो प्रिंसिपल क्या था ये ये था अवबो प्रिंसिपल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका फायदा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका फायदा नहीं है इसके और भी कई सारे फायदे हैं बताओ जैसे आप ये बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक का है ये जो एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक का है एस ब्लॉक का है पी ब्लॉक का है D का है डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक का का है ये कौन से ब्लॉक आप ये भी बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं चलिए मैं मैं पर थोड़ी जगह खाली कर देता हूं, and, uh, यहां देता एंड साइड में लिख देखिए आपने कभी पीरियडिक टेबल को नोटिस किया होगा आपको यहाँ पर दो ब्लॉक दिखाई देते हैं ठीक है ना यहाँ पर दो ब्लॉक दिखाई देते हैं कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको पीरियोडिक टेबल ये पिरोडिक टेबल कुछ कुछ ऐसे दिखाई देता है बीच में ये दस कॉलम रहते हैं और यहाँ पर छह रहते हैं ये जो ये वाला पार्ट है ना दीस टू आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट इनको क्या कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट ये जो बीच का है इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट दिज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ये जो साइड में ये वाले हैं इनको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है इनको कहा जाता है यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट ओके अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होते हैं ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स से लेकर के ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक आते हैं डी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक के अंदर तीन से लेकर के बारह तक आते हैं उसके बाद तेरह से लेकर के उसके बाद से लेकर के 18 तक आते हैं पी ब्लॉक में तेरह से लेकर के अठारह तक आते हैं पी ब्लॉक में ओके okay? मैं अभी आपको प्रेडिक्टेबल दिखाऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा नाउ लिसन टू दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉन्फिग्रेशन क्या है 1s1 कौन से ब्लॉक का ही है तो याद रखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में गया बस इतना याद रखिए उससे आपको उसका ऑर्बिटल पता चल जाएगा तो देखो जरा हाइड्रोजन को देखो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है भाई हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला भी यही है आखिरी भी यही है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में गया क्या ये एस में गया इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है क्या है ये एस ब्लॉक एलिमेंट हीलियम को देखो हीलियम को देखो हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया एस में गया

बैरलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया एस में गया। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया, गया। बोरॉन कालीमेंट चाहिए तो प्रोडिक्टेबल चेक कर लो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया एस में सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है क्लोरिन का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया तो इसीलिए एलिमेंट है कैल्शियम कैल्शियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया एस में गया तो इसीलिए कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट है आयरन आयरन का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया डी में गया इसलिए आयरन इज ब्लॉक एलिमेंट टिन आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां गया पी में गया इसलिए टिन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट तो देख रहे हैं आप? आप यहां से यह भी पता कर सकते हैं यह कौन से ब्लॉक का है किस ब्लॉक का है यह आप ये भी पता कर सकते हैं समझ गए इसके अलावा आप यह भी पता कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है ये कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है यह भी पता कर सकते हैं कौन से ग्रुप का है कौन से पीरियड का है यह जगह थोड़ी कम बच रही है इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं एंड लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल एस सोडियम का सोडियम का वापस लिख लेते हैं हम लोग तो सोडियम का Z कितना बता रखा है तो सोडियम का Z है 11 कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 पी सिक्स थ्री एस वन ठीक है तो आपको यह पता करना है कि सोडियम कौन से पीरियड का है एंड कौन से ग्रुप का है तो कैसे पता करेंगे सबसे पहले ग्रुप पता करने के लिए आप क्या करोगे ध्यान से देखो ग्रुप पता करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो कहां गया देखो एस के वन में गया आखिरी इलेक्ट्रॉन एस के वन में गया एंड जो मैंने प्रोडिक्ट टेबल आपको बना बता के दिया था उसको चाहिए तो मैं थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ ये देखिएगा जरा ये यहाँ पर बीच का डी ब्लॉक हो गया और ये यहाँ पर पी हो गया है ना पी में कितने फाइव सिक्स तो ये कुछ कुछ ऐसा होता है दिस इज ग्रुप नंबर वन दिस इज ग्रुप नंबर टू क्या मैं इसको एस का वन बोल सकता हूँ इसको एस का टू बोल सकता हूँ सिमिलरली एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तो ये बीच में डी वाले हो गए तो देखो यहां पर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन पर देखिए ओके अब यहां पर नोट करिए ये जो ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल का ये एस का वन है ये एस का वन है मतलब अगर कोई एस वन होगा जैसा हाइड्रोजन एस वन होता है वन एस वन होता है ना तो वो देखिये वो ग्रुप नंबर वन का है ग्रुप नंबर टू में एस टू होगा सिमिलरली ये देखिए ये डी वन आएगा ये d2 आएगा ये d3 आएगा ऐसे से करके ये कहां तक आएगा, D10 तक आएगा. मतलब कि समझिएगा एलिमेंट का समझ जाइए कि वो D का थ्री है तो पूरे प्रोडक्ट टेबल का क्या होगा तो डी का थ्री है इसका मतलब पूरे प्रोडक्ट टेबल का वन टू थ्री फोर फिफ्थ फिफ्थ ग्रुप का है वो अगर डी का थ्री है तो आगे के दो एस को एड कर दो तो डी के थ्री आगे के दो एक्स तो मतलब पांचवें ग्रुप का है अगर मैं बोलू डी के फाइव का है तो डी का फाइव मतलब क्या का वन, एस का वन एस का वन एस का टू डी का वन डी का, का थ्री डी का फोर डी का फाइव कितना हो गया पांच छह सात तो सातवें ग्रुप का है क्लियर है अगर मैं बोलू अच्छा देखिए पी का भी देख लेते हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स अगर मैं बोलू कि ये पी का वन है p का वन है तो p का वन से पहले पहले क्या आ रहा है s का वन s का टू d का वन d का टू d थ्री d फोर d फाइव करके d टेन तक आ रहा है तब जाकर के p के वन का नंबर आ रहा है ना तो p का वन के आगे कितने हो गए यहां पर p का वन मतलब थर्टीन ग्रुप है ये अगर कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी इलेक्ट्रॉन p के वन में जा रहा है मतलब वो थर्टीन ग्रुप का है अगर पी टू में जा रहा है मतलब फोर्टीन ग्रुप का अगर पी थ्री में जा रहा है मतलब ग्रुप का करना क्या है ये आगे वाले जितने भी हैं सबको आपस में ऐड कर देना है चलो समझते हैं इसको कोई बात नहीं जैसे सोडियम का देखो क्या बता रखा है इसका मतलब जो यहाँ पर ग्रुप आएगा मैं इधर पे लिख देता हूँ ग्रुप सबसे पहले तो कॉन्फिग्रेशन की बात हो रही थी ना चलो मैं यहाँ पर एक तो कॉन्फिग्रेशन लिख देता हूँ कॉन्फिग्रेशन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन से ग्रुप का है फिर मैं लिखूंगा कौन से पीरियड का है फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लिखूंगा उसकी कि क्या है उसकी प्रॉपर्टी मतलब मेटल है नॉन मेटल है ट्रांजिशन मेटल है क्या है ठीक है ना तो कॉन्फिग्रेशन क्या बना इज द कॉन्फिग्रेशन तो कॉन्फिग्रेशन इसका बनना था वो टू एट वन दिस इज द कॉन्फिग्रेशन अच्छा ग्रुप के लिए क्या होगा तो ग्रुप के लिए आखिरी आपको यह देखना होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया एस का वन तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो एस के वन में गया तो एस का वन मतलब क्या ग्रुप नंबर वन तो ये ग्रुप नंबर वन का है पीरियड के लिए आप क्या करोगे यहां पर आप देखोगे कि ये जो कॉन्फिग्रेशन बना है ये कितने उसका बना देखो 281 मतलब तीसरे ऑर्बिट तक पहुंच गया ये इसका मतलब पीरियड कौन सा है इसका व्हाट इज द पीरियड द पीरियड इज थर्ड थर्ड पीरियड है बस करो क्या अच्छा देखो करो क्या वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन इनमें से जो हाइस्ट कोफिशियंट है वो आपको देखना है थ्री है ना इसलिए पीरियड थ्री हो गया मान लो हाइस्ट पर फोर आता था

एट सेवन कौन से ग्रुप का है ये कौन से ग्रुप का क्लोरीन? तो इलेक्ट्रॉन कहां गया के फाइव में गया इलेक्ट्रॉन गया? के तो फाइव मतलब क्या? ये देखो, ये 5 है. 5 मतलब पी का फाइव मतलब स्टार्टिंग से देखो पी का फाइव का तो दो, दो. के फाइव तक पहुंचने के लिए पहले आपको एस वन एस टू ये दो रस्ते में आ रहे हैं फिर डी वन से लेकर डी टेन तो दो प्लस दस कितना हो गया बारह फिर उसके बाद देखो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव तो कितने हो गए ये पांच कितने हो गए यहां पर पांच हो गए तो दस और पांच पंद्रह सोलह सत्रह मतलब कौन से ग्रुप का, का. का है ये 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 है है ग्रुप 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 का 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 किस ठीक है एक बार फिर बता रहा हूं क्लोरिन में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया पी के फाइव में गया पी का फाइव मतलब क्या एक तो पी का वो पांचवा है प्लस इसके पहले दस डी वाले रहे हुए तो दस को भी प्लस कर दो P का पांचवा है ना तो पांच प्लस उसे पहले D के दस रहे होंगे दस को ऐड कर दो उसके पहले दो S के भी हैं तो पांच प्लस दस प्लस उसके पहले दो ग्रुप नंबर सतराव है तो पीरियड के लिए आपको हाईएस्ट कोएफिशिएंट देखना है क्या दिखाई दे रहा है थ्री दिखाई दे रहा है तो ओके तो क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का है एंड क्लोरीन क्योंकि पी ब्लॉक का है इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मेटल वाली रहेगी जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल वाली रहेगी एक बार जरा चेक कर लेते हैं हमने जो किया है क्या वो सही किया है सोडियम को चेक करें क्या सोडियम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का है देखो जरा ये देखिए सोडियम ये दिखाई दे रहा है सोडियम देखो जरा दिस इज द सोडियम है ना ये देख रहे हो ये सोडियम है क्या सोडियम ग्रुप नंबर वन एंड पीरियड नंबर थ्री का है है ये देखो 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 ना सही निकाला दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था क्लोरिन अब क्लोरिन को चेक करो ये देखो ये क्लोरिन क्या क्लोरिन ग्रुप नंबर सेवनटीन का है क्या क्लोरिन ग्रुप नंबर 17 एंड पीरियड नंबर थ्री का है देख रहे हो देख रहे हो दिख गया ना ओके अब इस पर चलते हैं दोबारा से क्लोरिन के बाद एक और एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं जेड कितना है 26 है तो आयरन का कॉन्फिग्रेशन क्या बनेगा 1s2, 2s2, टू टू एस टू थ्री डी सिक्स तो कितना हो गया देखो दस दस बीस और छह छब्बीस तो कॉन्फिग्रेशन क्या होगा आयरन का? तो हो का है ना अच्छा उसके बाद वैसे देखा जाए तो मुझे इसके आगे नीचे लिखना चाहिए है ना दूसरे के इलाके में जा रहा है थ्री पी सिक्स के बाद ये कितना बन जाएगा थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स यह कॉन्फिग्रेशन बन गया दस दस बीस और छब्बीस ओके दूसरा कॉन्फिग्रेशन क्या है आयरन का ये वाला टू एट फोर्टीन टू ये देखिए ऑलरेडी हमने कर रखा है टू एट फोर्टीन टू कौन से ग्रुप का है आयरन कौन से ग्रुप का है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा गया है डी के सिक्स में गया है आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के सिक्स में है तो डी का सिक्स है मतलब

तो जहां तक मुझे दिख रहा है द हाइस्ट कोविशंट इज फोर एस दिख रहे हो जो हाइस्ट कोविशंट है वो कितना है फोर है तो इसी वजह से यहां पर जो ये पीरियड बन जाएगा वो फोर बन जाएगा एंड क्योंकि ये डी ब्लॉक का है क्योंकि ये डी ब्लॉक का है इसीलिए ये एक ट्रांजिशन मेटल होगा दिस विल बी अ ट्रांजिशन मेटल है ना अच्छा एक चीज हमको यहाँ पर और ऐड कर देनी चाहिए थी कि ये कौन से ब्लॉक का है ये भी तो हम लोग लिख ही सकते थे क्योंकि यहां पर जो सोडियम है सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सोडियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट क्लोरिन का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गया तो इसका मतलब यह है पी ब्लॉक एलिमेंट उसके बाद आयरन आयरन का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया तो इसीलिए आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट तो ये एक और चीज हमने पता लगा ली है ना एक और काम करें चलो टीन का भी पता लगा देते हैं ये देखो ये जो टीन है एस एन तो टीन के लिए जेड कितना बता रखा था फिफ्टी तो क्या बना ये वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पे सिक्स फाइव एस टू फोर डी टेन फाइव पी टू ठीक है तो ये हुआ अच्छा टिन का अगर हम लोग कॉन्फिग्रेशन uh, बनाएं तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है टू एट एटीन एटीन फोर वट विल बी द ग्रुप तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया पी के टू में गया आखिरी इलेक्ट्रॉन के टू में गया गया का टू का मतलब क्या हो गया? कि दो ग्रुप पी के प्लस कर दो उसके पहले, दस डी के रहे उसके पहले दो एस के रहे होंगे तो मतलब तो क्या दिखाई दे रही है यहां पर हाइस्ट हाइस्ट नंबर देखो क्या दिखाई दे रहा है तो मुझे तो दिखाई दे रहा है इसका मतलब पीरियड का है ना और दूसरी चीज क्योंकि ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है ये पी में जा रहा है इसीलिए इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या ये क्या होना चाहिए नॉन मेटल होना चाहिए देखो मैं फिलहाल मेटलॉइड को कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं मेटलॉइड को कंसिडर करूंगा तो चीजें अननेसरी लंबी होती चली जाएंगी इस वजह से ठीक है तो एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि वाकई में आयरन एट्थ ग्रुप का है एंड फोर्थ पीरियड का है जरा चेक करते हैं आयरन लेट्स टेक लेक आयरन 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 ये देखिए ये आयरन है आयरन क्या एट्थ ग्रुप का है एंड फोर्थ पीरियड का है देखो जरा ये देख रहा है 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 आपको आयरन आयरन कौन कौन से group, कौन से ग्रुप ग्रुप पीरियड पीरियड का है? का का एंड तो हमने जो बोला था आयरन एर्थ ग्रुप का एंड फोर्थ पीरियड का वही है और प्रॉपर्टी क्या इसकी ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक जरा देखो ये जो बीच का ये जो इन्होंने इस कलर में बना रखा है क्या ये ब्लू कलर ब्लू कलर वाले डी ब्लॉक एलिमेंट है यहां पर ये जो जो भी कलर है है ऑरेंज कलर वट इस कलर में जो बना रखा है दिस ब्लॉक एलिमेंट येलो कलर में क्या बना रखा है P F ना द वे ये पूरा इतना है एफ ब्लॉक एलिमेंट तो देखो आयरन का तो हमने चेक कर लिया दूसरा टिन कौन से पीरियड का था वो ये देखो पांचवे का था हमने कैलकुलेट किया था एंड फोर्टीन ग्रुप का राइट और पी ब्लॉक एलिमेंट है बस तो ये जो कॉन्फिग्रेशन है जो आज हमने सीखी ये कई सारी इंफॉर्मेशन देता आपको ठीक है कई सारी इंफॉर्मेशन एक तो सबसे पहले कि ये ऑर्बिट वाइज कैसा कॉन्फिग्रेशन होगा उसके बारे में बताता है ग्रुप कौन सा है वो बताता है पीरियड कौन सा है वो बताता है प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल है क्या है वो बताता है एंड कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है वो बताता है तो अब आपको करना क्या है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पे कीजिए इससे क्या होगा आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे और क्लियर हो जाएंगे एक जगहों पर आपको एक्सेप्शन जरूर मिलेगा और वो जो एक्सेप्शन वाली चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में ठीक है ना पहले इतना प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए